अच्छी लोकेशन पे प्लाट चाहिए, फाइनेंस कराकर मकान बनाना है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, रोड हो, डैम हो, गरीब का घर हो, अमीर का आशियाना हो, ये सब बनाते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़ा बंपर ऑफिस में जाकर विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के वन मंत्री दिलीप अहिरवार आज ओमकारेश्वर परिवार सहित पहुंचे। उन्होंने भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, उसके पश्चात अभिषेक किया। इस अवसर पर ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा उनका स्वागत भी किया गया। वन मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि वे ज्योतिर्लिंग दर्शन कर बहुत अभिभूत हैं। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। साथ ही साथ मोहन यादव मंत्रिमंडल सरकार के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की मंगल कामना भी की। आपको बता दें कि उन्होंने ओमकारेश्वर की जमकर तारीफ भी की और कहा कि ओमकारेश्वर बेहद सुंदर भौगोलिक परिक्षेत्र है और यहाँ पर माँ नर्मदा के दर्शन कर सहित भगवान भोले की आराधना कर बेहद आनंद की अनुभूति होती है। सभी से उन्होंने यह भी अपील की कि एक बार वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने यहाँ जरूर आए। आप ओंकारेश्वर पधारे हैं, क्या कुछ अनुभव किया और क्या बाबा से मांगा? भगवान ओंकारेश्वर का स्थान स्थान है मध्य प्रदेश में ही, पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। देश देश दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। आज हमने भगवान भोलेनाथ के गुरुदेवी के साथ पूजा पाठ की है। निश्चित रूप से भगवान से ही दुआ मांगी है कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में तो मध्य प्रदेश विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है और तेजी से बढ़े। मध्य प्रदेश के सभी जनता जनार्दन को सद्भावना समृद्धि प्रदान करें, यही मेरी भगवान भोलेनाथ से कामना है। जय माता दी। दूल्हे की शेरवानी का कपड़ा हो या पैंट शर्ट का, या हो कोट पैंट का कपड़ा, या हो सफारी सूट का कपड़ा, अपना कलेक्शन पर सब मिलता है। फैमिली को लेकर टेंशन हो तो सस्ते से लेकर महंगा कपड़ा सब यहाँ मिलेगा। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा टपाल चाल चौराहे पर अजंता रेडियो के बाजू में जाकर दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं।